नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल प्रताप सिंह प्रावी टेस्ट बेबी सेंटर में सीनियर काउंसलर हूँ। आज हम एक और सफल स्टोरी लेकर आए हैं। ये सब कहानियाँ हमारे प्रावी में सफल हुई हैं। हम उन्हीं स्टोरी की बात करते हैं। ये स्टोरी है जालौन के पास कोई छोटा सा कस्बा है, उरई या जालौन कुछ इस तरह से ही है। तो वहाँ के पेशेंट थे, लगभग 6 से 7 बार IVF को अपना करा चुके थे। दिल्ली में करा चुके थे, इलाहाबाद में करा चुके थे, लखनऊ में करा चुके थे, कई जगह उन्होंने अपना 6 से 7 बार IVF कराया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। एक बार न्यूज़पेपर में उन्होंने प्रावी का एड देखा होगा और फिर हमें कॉल किया। तो प्रावी में ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है, ये हमारे वीडियो में क्लियर करते हैं। उनसे भी यही कहा कि जब तक आप अपनी रिपोर्ट लेकर प्रावी टेस्ट टू बेबी सेंटर में विजिट नहीं करेंगे, तब तक हम आपको किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दे सकते। आप समय निकालकर एक बार हमारे सेंटर पर आइए, हमारी मैडम से मिलिए। मैडम अगर हाँ करती हैं तो फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कितने परसेंट चांसेस हैं, कितना खर्चा आएगा, ये आपकी सारी रिपोर्ट देखने, आपका इंटरेस्ट देखने, आपकी कंडीशन देखने, तो फिर आपको क्लियर किया जाएगा। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम समय निकालकर आपके हॉस्पिटल में जरूर आएंगे। हम बहुत सालों से परेशान हैं, एक बार हम आपके यहाँ भी जरूर आएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने, हम लोग वीकली कैंप करते हैं, हर सैटरडे हमारा निःशुल्क परामर्श होता है 10 बजे से 2 बजे तक। तो कैंप में उन्होंने विजिट किया, अपनी सारी रिपोर्ट लेकर के आए। उनकी प्रॉब्लम थी कि ट्यूब बंद थी, ट्यूब ब्लॉक होने के कारण IVF तो होना ही था उनका, लेकिन 6 से 7 बार IVF बाहर जो करा चुके हों तो उनको भी IVF के लिए डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि IVF तो होना ही था, ट्यूब ब्लॉकेज थी। उन्हीं के एग से IVF का प्रोसीजर करने के लिए उनको समझाया गया, बताया गया कि प्रयास करके देखेंगे, सफलता तो मिल सकती है, इंटरेस्ट आपका ठीक है, एक बार प्रयास करके देखते हैं। डॉक्टर रिट शुक्ला जो कि चीफ एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं प्रावी में, डॉक्टर मोनिका सचदेव सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हम लोग प्रावी में जनरल ओपीडी नहीं करते, जितनी भी ओपीडी होती है सिर्फ इनफर्टिलिटी की ही होती है। हम लोग बैच में IVF नहीं करते हैं, केयर के साथ बहुत ध्यान से सारा प्रोसीजर किया जाता है। कोशिश ये रहती है कि जिस दिन भी IVF जिस पेशेंट का हो उस दिन एक या दो लोगों का ही IVF हो, हमें बाहर से किसी भी टीम को बुलाना नहीं होता है, इसलिए भगवान की कृपा से प्रावी का रिजल्ट अच्छा आता है। उस पेशेंट ने जब देखा कि प्रावी में मैडम से मिला, सर से मिला, वो बड़ा ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी IVF की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद में IVF का प्रोसीजर उसका स्टार्ट हुआ, सेल्फ एग से, सेल्फ स्पर्म से, क्योंकि उसकी रिपोर्ट ठीक थी, रीजन था कि ट्यूब ब्लॉक था, और ऊपर वाले की कृपा से उसका IVF का प्रोसीजर हुआ। पहली बार में उसका IVF का प्रोसीजर सक्सेस हुआ, उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी आई। देहात के थे, बार बार जब टाइम उनका ज़्यादा हो गया, लगभग 20 से 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई, तो बार बार नहीं आ पाते थे, लेकिन फोन से बात करते थे। उरई में ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनके यहाँ उन्होंने दिखाना शुरू किया। प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव हो गई है, आप बार बार नहीं आ पा रहे हैं, तो आप किसी आसपास गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और इसके बाद में उनके 2 बच्चे हुए। डिलीवरी होने के बाद में, अच्छा एक बात है कि प्रावी IVF में जो भी आता है, जो भी कपल्स आते हैं, वो भूल नहीं पाते हैं प्रावी को, ना प्रावी को, ना प्रावी के डॉक्टर्स को, और ना प्रावी के स्टाफ को। डिलीवरी हो गई, 2 बच्चे हो गए, जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, लगभग 1.5 साल के हो गए, तो दोनों बच्चों के साथ में उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, मिलाया हम सबसे।
और अपना जो 6-7 साल पुराना उनका जो दर्द था, जो वो झेल चुके थे, अब वो उनको कुछ भी याद नहीं था क्योंकि एक ही बार में उनके 2 बच्चे हो चुके। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याओं से घबराना नहीं है। अगर IVF 6-7 बार हो गया है, आपको सफलता नहीं मिली है, तब भी आप IVF के लिए सलाह ले सकते हैं, IVF के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस तरह की अगर आपके पास भी कोई भी समस्या हो, आप हमारे नीचे वेबसाइट में नंबर दिया जा रहा है 8417-08446, इस नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपके सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।